हिंदू चेतना मंच और विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति ने शहीदों को संवैधानिक सम्मान दिलाने के लिए और नेताजी के सपनों को याद दिलाने के लिए रविवार को पैडलेगंज स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा के समक्ष तिरंगे पर बना शेर का निशान झंडे को फहराकर नेताजी की शहादत को याद किया। कार्यक्रम के संचालक ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा सर्वप्रथम 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराकर अंडमान निकोबार को अपने कब्जे में लिया था। उस समय पहली बार भारत ने आज़ादी का स्वाद चखा था और तब से आज के इस दिन को किसी ने याद नहीं किया। चित आयुक्त तिरंगे का निर्माण वहीं से शुरू हुआ। इस अवसर पर रघुवंश हिंदू हरि नारायण प्रवीण श्रीवास्तव ध्रुव विष्णु भारतेंदु कंजन शाही सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कार्यक्रम की संचालिका सुमन हिंदू और पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा। आज 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में पहली बार ये तिरंगा फहरा के अंडमान निकोबार को अपने कब्जे में लिया था। पहली बार भारत ने आज़ादी का स्वाद चखा था। तब से लगता है आज़ादी के बाद आज तक इस दिन को भूल ही गए सब लोग, कभी मनाया नहीं गया। ये गोरखपुर की पावन धरती पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और सबको ये याद दिला रहे हैं कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत है और उन्होंने किस तरह से अपनी कुर्बानी देकर, अपने पद का त्याग कर, अपने घर का त्याग कर और इस झंडे की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। 1943 में उन्होंने ये चितायुक्त तिरंगे का निर्माण वहीं से शुरू हुआ था। उन्होंने ही इसकी कल्पना की थी और उन्होंने ही ये तिरंगा तैयार किया था। उसके बाद ये चितायुक्त तिरंगा उन्होंने पहली बार अंडमान निकोबार में फैलाया था, जो आज पहली बार गोरखपुर की पावन धरती पे हम लोग फहरा रहे हैं उनकी याद में और उनकी याद को सबके दिलों में जगाने के लिए, सबको बताने के लिए। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम शहीदों को संवैधानिक दर्जा दिला सकें। आज तक हमारे देश में हमारे शहीदों को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे देश को ये बताएंगे कि हमारे शहीदों का भी उतना ही हक है इस देश पे जितना और लोगों का है। 30 दिसंबर आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जय हिंद तिरंगा चितायुक्त जो उन्होंने एक तिरंगा लहराया था, आज उसी के हम लोग खुशियां मना रहे हैं। आज हिंदू चेतना मंच द्वारा और गोरखपुर के संभ्रांत लोगों के द्वारा आज यहां पे तिरंगा फहराया गया। इससे एक जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो IAS का कंपटीशन चौथे रैंक पे आते हुए भी देश हित में उन्होंने इस पद को ग्रहण नहीं किया और देश हित में उन्होंने एक उन्होंने वक्तव्य निकाला, कहा था कि तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। आज के दिन संभवतः वो रहते, जब तक हम एक रहेंगे तभी तक आज़ाद रहेंगे। ये तिरंगा चितायुक्त तिरंगा हमें तो नहीं लगता किसी के संज्ञान में भी होगा नेताजी ने चितायुक्त तिरंगा फहराया था। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ हिंदू चेतना मंच को कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम को उन्होंने आगे बढ़ के इसे आज इस गोरखपुर की धरती पर इसे फहरा हम लोगों के साथ मिलकर फहराने का जो एक कार्य किया है वो देश हित में एक मील का पत्थर साबित होगा। गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर यह वास्तव में एक कीर्तिमान हासिल करेगा और देश को आज़ादी मिली है ये हम सबों के अंदर ये प्रेरणा होगा हमारे आने वाले भविष्य को भी कि हम एक रहें, हमारा देश आज़ाद रहेगा। और आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से इतने पुनीत कार्य को आम जनमानस तक पहुँचाने का जो कार्य किया है, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ।